अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इससे पहले योगी आदित्यनाथ 30 दिसंबर को भी अयोध्या जाएंगे। सीएम योगी राम मंदिर से जुड़ी हर एक चीज खुद मॉनिटर कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी और राम भक्त के तौर पर भी योगी आदित्यनाथ के लिए लम्हा बेहद खास है। योगी राम मंदिर के जरिए अपने गुरु को सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा देने जा रहे हैं। गुरु के सपने का पूरा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 सालों तक मेहनत की है, मगर उनकी 3 पीढ़ियों का जो संघर्ष है उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। कैसे राम भक्त योगी गुरु के संकल्प को पूरा कर रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। योगी आदित्यनाथ का राम मंदिर के लिए संकल्प है, रामलला के लिए मुख्यमंत्री योगी की भक्ति है, भगवान राम के प्रति योगी की निष्ठा है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं योगी आज भले ही यूपी के चीफ मिनिस्टर के तौर पर राम मंदिर के निर्माण की एक एक बारीकी खुद देख रहे हैं, लेकिन असल में ये उनका कर्तव्य है। राम मंदिर की सेवा उन्हें विरासत में मिली है और अपने गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य राम मंदिर में विराजेंगे। ये वो तारीख है जिसका सपना हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं ने देखा। ये वो तारीख है जिसके लिए करीब 500 सालों का लंबा संघर्ष रहा। ये वो तारीख है जब 3 पीढ़ियों का संकल्प पूरा होगा। ये संकल्प क्या है, ये कहानी दिखाने और बताने आपको अयोध्या से करीब 137 किलोमीटर दूर गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर लेकर चलते हैं। इसी गोरखनाथ मठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी जब इस मठ में रहते थे तब अपने गुरु अवैधनाथ को योगी ने एक संकल्प दिया। ये संकल्प था राम मंदिर के साकार होने। 1983-84 में जब श्री राम जन्मभूमि मुक्तज्ञ समिति बनी थी, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए उसका नेतृत्व मेरे पूज्य गुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने किया। उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उसका नेतृत्व उन्होंने किया। और जब राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रखी गई, तब प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं स्वयं था, तो मेरे लिए तो बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था। राम मंदिर के निर्माण में करोड़ों राम भक्तों का संघर्ष है, सदियों की मेहनत है, कई पीढ़ियों की आस्था है। इन्हीं में से 3 पीढ़ियां गोरक्षनाथ पीठ की भी हैं, जो कि महंत दिग्विजय नाथ से शुरू होते हुए महंत अवैधनाथ और फिर योगी आदित्यनाथ तक आ पहुंची। जिस तरह देश के लाखों राम भक्तों को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिल रहा है, पीले चावल से न्योता दिया जा रहा है, ठीक उसी तरह ब्रह्मलीन हो चुके गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ को राम मंदिर का बुलावा भेजा गया। एक ऐसा ही कार्ड कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आया था और ये कार्ड सीएम योगी के गुरु महंत अवैधनाथ के लिए आया था। इन्हीं के चरणों में कार्ड रखकर ये प्रार्थना की गई कि वो जहां कहीं भी हो इस समारोह में शामिल जरूर हो। कहा जाता है कि इस पूरे आंदोलन में जो राम आंदोलन था उसमें महंत अवैधनाथ की भूमिका सबसे आगे थी, सबसे बड़ी थी, और इसीलिए जो न्योता था उसे खुद ट्रस्ट के लोग जो है उसे लेकर यहां पहुंचे थे। योगी के गुरु का अधूरा सपना है राम मंदिर। ब्रह्मलीन होने से पहले महंत अवैधनाथ ने अपने आखिरी दिनों में उम्मीद जताई कि उनके इस सपने को योगी पूरा करेंगे। उसके बाद से योगी गुरु के संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात जुटे रहे। ये जानते हुए कि 2013 में अयोध्या में 84 कोस परिक्रमा के लिए जाते हुए कानपुर में उन्हें हिरासत में लिया गया, अखंड कीर्तन में हिस्सा लेने के लिए भी उन्हें जबरन रोका गया। इन सब के बाद योगी ने गुरु के कमिटमेंट को मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद को उतार दिया। यूपी का सीएम बनने के बाद की एक्टिवनेस अयोध्या को लेकर और ज्यादा बढ़ गई। पहले अयोध्या को नगर निगम घोषित किया, फिर फैजाबाद से नाम बदलकर अयोध्या किया। 2017 से अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कराया।
और जब राम मंदिर बनने की क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट से मिली, उसके बाद योगी और अयोध्या मानो पर्याय बन गए। अब वो वक्त भी आ रहा है जब योगी अपने गुरु के वचन को पूर्ण करने जा रहे हैं, उनके संकल्प सिद्धि में बदल रहे हैं। उन्हीं की आज्ञा से तो ये सब कार्य उन्होंने किया। योगी जी ने अपने गुरु जी की आज्ञा अनुसार प्राण उनके प्रतिष्ठा की जो है तिथि आ गई है, सब कुछ हो रहा है, उन्हीं की आज्ञा अनुसार हो रहा। और यही नहीं, देश विदेश में यह प्रचार फैला हुआ है कि गोरखपीठ का योगदान अपूर्णीय रहा है। अब इसे संयोग कहिए या कुछ और, जब जब राम मंदिर से जुड़ी कोई बड़ी घटना हुई या मौका आया, तब तक गोरक्षपीठ के महंत अयोध्या में मौजूद रहे। साल 1949 में जब रामलला प्राकट्य हुए, तब महंत दिग्विजयनाथ ने ही अयोध्या में संकीर्तन किया था। जब 1986 से 88 के बीच पहली बार विवादित स्थल का ताला खोला गया, तब महंत अवैधनाथ साक्षी बने थे। और राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो योगी खुद मौजूद रहे, और अब प्राण प्रतिष्ठा के दौरान योगी गवाह बनेंगे। मेरे पूज्य दादा गुरु जो थे महंत दिग्विजयनाथ जी, 1949 में उस अभियान के हिस्से थे जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था, और उस समय की कांग्रेस की सरकार जबरदस्ती रामलला को राम जन्मभूमि से हटाना चाहती थी। और फिर उसके बाद के आंदोलन का पूरा जो भी उस समय सपोर्ट था वह गोरखपीठ से उपलब्ध कराया गया था। उस समय जो केस दायर हुए थे उन सभी चीजों की उपलब्धता वहां से हुई थी। वो साल था 1935 जब महंत दिग्विजयनाथ ने राम मंदिर आंदोलन की कमान संभाली। 1937 में हिंदू महासभा में शामिल होने के बाद इसे धार दी। 1947 और 49 में दो ऐसे मौके भी आए जब विवाद को सुलझाया जा सकता था, मगर दावा किया जाता है कि तब सुलझने नहीं दिया गया। यहीं से जनमानस के दिमाग में राम मंदिर की छवि योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु ने बैठानी शुरू की। संघर्ष के इस सफर में तमाम दुश्वारियां झेली, अपना सर्वस्व राम मंदिर को न्यौछावर कर दिया। महंत दिग्विजयनाथ ने राम मंदिर के लिए हिंदू समाज को एकजुट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अयोध्या में स्वयंसेवकों की एक टीम का नेतृत्व भी किया, बलरामपुर के राजा पटेश्वरी प्रसाद से मुलाकात की। इसके बाद प्रसिद्ध संत करपात्री महाराज के साथ उन्होंने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की रणनीति बनाई। इसके बाद से यह आंदोलन और तेज हो गया। वो दौर था जब पब्लिक के लिए हिंदुत्व की बात करना गुनाह जैसा था, और राम मंदिर के बारे में सोचना नामुमकिन। महंत दिग्विजयनाथ ने बड़ा फैसला लिया, और ये फैसला था राम मंदिर आंदोलन को राजनीति के जरिए बड़े कैनवस पर लाने का। इसके लिए महंत दिग्विजयनाथ ने 1967 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और पहली बार गोरखपुर से सांसद बने। हिंदुत्व और राम मंदिर की पैरोकारी के लिए इस दौरान कई मीटिंग्स की लीडरशिप गोरखनाथ मंदिर के हाथों में रही। 21 मई 1964 को मुंबई में संदीपनी आश्रम में बाबा आमटे, चिन्मयानंद जी और मास्टर तारा सिंह, हमारे पूज्य गुरु जी जो गुरु गोलवरकर जी आरएसएस के प्रमुख थे, उनके अध्यक्षता में वह बैठक हुई। पूज्य महाराज दिग्विजयनाथ जी, इनका भी वहाँ उसमें बैठक में शामिल हुए थे, और उस समय भी सिंधु परिषद का गठन हुआ। और तब से ये मंदिर का माने मुख्य भूमिका रहा है हिंदुओं को जगाने का। महंत दिग्विजयनाथ के ब्रह्मलीन होने के बाद राम मंदिर से जुड़े आंदोलनों की मसाल उनके शिष्य महंत अवैधनाथ ने संभाल ली। उन्होंने शैव वैष्णव सभी संप्रदाय के जो धर्माचार्य थे उन्हें एक मंच पर लाने में कामयाबी भी हासिल की। उन्होंने पूरे राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने मुक्ति आंदोलन शुरू की, एक समिति का गठन किया और आजीवन उसके अध्यक्ष भी रहे। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ ने राम मंदिर को अपने लिए मिशन बना लिया। इस मिशन में उनके लिए ना तो भूख मायने रखती थी और ना ही बीमारी उन्हें डिगा सकी। मठ से जुड़े लोग बताते हैं कि चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो, राम मंदिर से जुड़ी बैठकों में योगी के गुरु पहुंचते जरूर थे, फिर वो
चाहे देश के किसी भी कोने में हो। इस दौरान वो हिंदुत्व और धर्मांतरण के मुद्दे पर मुखर रहे। धर्म परिवर्तन को लेकर चलाए गए अभियान से एक बार इतना दुखी हुए कि 1980 में राजनीति से दूरी बना ली। ये बात अलग है कि अगले 10 साल महंत अवैधनाथ ने राम मंदिर को समर्पित कर दिया। महंत अवैधनाथ जी महाराज का जीवन राम जन्मभूमि राम मंदिर के लिए समर्पित था। 24 घंटा उनके मन में चिंता रहती थी, राम मंदिर बनाए राम मंदिर बनाए। उन्होंने भारतवर्ष का भ्रमण किया इसके लिए जी।